हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका टेक गुरु उमेश अग्रवाल। उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें, जो कि आप सबसे पहले देख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जनरलाइज द बिलो ट्रांजेक्शन। आज कुछ ट्रांजेक्शन है जो कि हमारे बिजनेस और बैंक, यानी कि बिजनेस में बैंक से कैसे लेन देन होता है, उसके बेस पर ट्रांजेक्शन है। तो कैसे है ट्रांजेक्शन, तो देखते हैं। ओपन अ बैंक अकाउंट एट SBI 10,000, कैश डिपॉजिट इन SBI 5,000, गुड्स परचेज बाई बैंक चेक 3,500, गुड्स सोल्ड टू काजल 5,000, चेक रिसीव फ्रॉम काजल टू सेटल हर अकाउंट 4,800, काजल चेक वॉज डिसऑनर्ड कैंसिल बाई बैंक, रिसीव ए न्यू चेक फ्रॉम काजल टू सेटल हर अकाउंट, शॉप रेंट पेड बाई चेक 1,000, कैश डिपॉजिट इन SBI 5,000, कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक बट 50% कैश यूज फॉर पर्सनल यूज 2,000, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम SBI 200, गुड परचेज फ्रॉम मनोज 2,000, मेक ए ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ मनोज टू सेटल हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 1,800 एंड पेड डीडी कमीशन टू बैंक 100 रुपये। ठीक है ना। तो जो कुछ ट्रांजेक्शन थे, अब इन ट्रांजेक्शन को बारी बारी समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा ट्रांजेक्शन है ओपन अ बैंक अकाउंट एट SBI 10,000 रुपये। बैंक में 10,000 रुपये से हमने खाता खोला। तो आपको बता दूं, बैंक में हम कोई भी अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो बैंक हमसे कोई भी अकाउंट की प्रोसेसिंग फीस नहीं लेता है। जितने अमाउंट से हम खाता खुलवाते हैं उतना ही अमाउंट हमारे बैंक बैलेंस में आ जाता है। तो रिसीवर कौन हो गया, स्टेट बैंक। तो बाई SBI अकाउंट टू कैश अकाउंट 10,000, बीइंग ओपन अ बैंक अकाउंट इन SBI। चलिए सेकंड पॉइंट को समझते हैं, कैश डिपॉजिट इन SBI 5,000, बैंक में जमा करें। सेम ऊपर की तरफ पॉइंट बन जाएगा। देखिए, जमा तो आप कितनी बार भी कर सकते हैं, खाता एक ही बार खुलवाएंगे, बार बार तो बैंक में खुलवा नहीं सकते। तो हम पैसा बैंक में जमा कर सकते हैं, तो सेम ऊपर जैसी एंट्री बन जाएगी, बाई SBI 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000, बीइंग कैश डिपॉजिट इन SBI। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, गुड्स परचेज बाई बैंक चेक 3,500। गुड्स परचेज बाई बैंक चेक का मतलब होता है कि जो हमारा पेमेंट है वो बैंक करेगा। तो हमने माल परचेज का, तो बाई परचेज अकाउंट टू, अब कौन से बैंक में खाता है, स्टेट बैंक में, तो टू SBI अकाउंट हमारा आ जाएगा 3,500 से, बीइंग गुड्स परचेज बाई चेक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, गुड्स सोल्ड टू काजल 5,000, काजल को 5,000 रुपये का माल बेचा। तो किसकी एंट्री क्या बनेगी, बाय काजल 5,000 और टू सेल्स 5,000। अब हमने यहाँ पर काजल शब्द का यूज क्यों करा है, इसमें कैश शब्द का यूज क्यों नहीं करा, इसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस देखें, उसमें हमने इसे सारा डिटेल से समझा रखा है। तो एंट्री हो जाएगी बीइंग गुड सोल्ड टू काजल ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट, चेक रिसीव फ्रॉम काजल टू सेटल हर अकाउंट 4,800। अब हम कह रहे हैं काजल ने हमें 4,800 रुपये का चेक दिया और कह दिया फुल सेटलमेंट हो गया। कहाँ हुआ, 5,000 रुपये देने थे। इसके बारे में भी मैंने पहले ही समझा चुका हूँ कुछ अपनी पुरानी वीडियोस में, आप देखिएगा कि क्या होता है सेटलमेंट। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 5,000 रुपये मिलने थे लेकिन उसने दिए कितने, 4,800 रुपये। तो 200 रुपये किस बात के कम दिए, यानी कि 200 रुपये का क्या हो गया, काजल को हमने डिस्काउंट दे दी। तो डिस्काउंट हमारा लॉस है तो डेबिट होगा। अब काजल ने किसी भी बैंक का चेक दिया हो, यानी कि काजल का जिस बैंक में अकाउंट होगा उस बैंक का चेक दिया होगा, लेकिन हम यहाँ पर एंट्री उस बैंक से बनाएंगे जिस बैंक में हमने चेक डिपॉजिट करा है, ना कि काजल का बैंक। काजल का बैंक सिर्फ नरेशन में आ जाएगा। तो हमारा किस बैंक में खाता है, SBI में, तो बाई SBI 4,800, बाई डिस्काउंट 200 और टू काजल 5,000, ठीक है, बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम काजल एंड डिस्काउंट डिस्काउंट लॉस हुई थी इसलिए डेबिट हो। नेक्स्ट पॉइंट है, काजल चेक वॉट डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड मतलब कैंसिल हो जाना, यानी कि बाउंस हो जाना, जैसे बोला जाता है नॉर्मली वर्ड में। किस वजह से हो गया बाउंस, तो सबसे पहले हमारे जहन में एक बात आती है कि भाई उसके बाद पैसे नहीं होंगे इसलिए हमारा चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। ठीक है, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन कुछ और कॉन्सेप्ट भी हो सकते हैं, जैसे सिग्नेचर मिसमैच। काजल ने जो अपने सिग्नेचर करे उसके बैंक खाते में वो सिग्नेचर थोड़े दूसरे स्टाइल के थे इसलिए वो मिसमैच हो गए, बाउंस हो गया। डेट का इशू आता है,
डेट का इशू क्यों होता है? जैसे सपोज काजल ने हमें 4 दिन बाद का चेक काटा और हमने आज ही लगा दिया चेक, तो 4 दिन बाद का काटा तो आज ही लगा दिया, तो बैंक में अगले दिन चला जाएगा अकाउंट में, तो भाई जब वो गलत लगा दिया तो वो हमारा चेक बाउंस हो जाएगा उस कंडीशन में। या फिर उसकी डेट निकल चुकी है, जैसे सपोज अगर मान लेते हैं कि चेक जो है 3 महीने तक वैलिड रहता है, 3 महीने बाद हमने लगाया तब भी चेक बाउंस हो सकता है। नेक्स्ट ओवर राइटिंग की वजह से भी बाउंस हो सकता है। नेक्स्ट हमारा जो उसने नाम लिखा है उसमें कुछ मिस्टेक कर दी है। जैसे सपोज मैं आपको बताता हूँ, हमारे चैनल का नाम है उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस, उसने दे दिया उमेश अग्रवाल टेक्नोलॉजी क्लासेस के नाम से, तो हमारा टेक क्लासेस के नाम से, तब भी हमारा चेक क्या हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा। तो अब कोई भी कंडीशन रह सकती है तो हमारा चेक बाउंस हो गया, तो जो हमने चेक रिसीव की एंट्री बनाई थी उसकी जस्ट अपोजिट एंट्री बन जाएगी बाउंस होने में। तो हमने काजल को यहाँ पर क्या करा था, 5,000 से क्रेडिट करा था, तो 5,000 से डेबिट करेंगे, तो भाई काजल 5,000 टू SBI 4,800 टू डिस्काउंट 200 रुपये, बींग काजल चेक वाज डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड मतलब अनादृत हो जाना, हिंदी में कॉमर्शियल वर्ड में कहते हैं अनादृत हो जाना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। रिसीव ए न्यू चेक फ्रॉम काजल टू सेटल हर अकाउंट 5,100 रुपये। अब हमें काजल ने सेटलमेंट के रूप में 5,100 रुपये दिए, तो देखते हैं कितने रुपये देने थे, कितने देने थे, 5,000, क्योंकि हमने 5,000 रुपये का माल बेचा था, लेकिन उसने दिए कितने, 5,100 रुपये, यानी 100 रुपये उसने हमें ज़्यादा दे दी। किस बात की ज़्यादा दे दी, हमने ब्याज लगा दिया काजल पर कि भाई आपने टाइमली पेमेंट नहीं दिया तो हम आपसे ब्याज सहित लेंगे, ठीक है, उसने ब्याज सहित हमें पेमेंट कर दिया, चेक काट कर दे दिया 5,100 का, बट लेने तो 5,000 थे, तो 100 रुपये उसने हमें पहले ब्याज के दे दिए। तो जब भी हमें किसी व्यक्ति से ब्याज मिलता है तो उसे सबसे पहले हमें ड्यू करना होता है, बाद में रिसीव करना होता है। तो ड्यू कैसे करेंगे, तो ड्यू की एंट्री समझ लेते हैं। अब हमारे पास क्या आया, इंटरेस्ट आया, तो इंटरेस्ट आया तो हमारा क्या हो गया, गेन हो गया, तो गेन क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो कौन है रिसीवर जो इंटरेस्ट देगा हमें, वो है काजल, तो बाई काजल 100 रुपये और टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट 100 रुपये, ये काजल पर ड्यू हो गया, यानी काजल को हमने चढ़ा दिए कि भाई 100 रुपये आप हमें इंटरेस्ट के रूप में देंगे, तो बीइंग इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अब आप देखिए, हमने 100 रुपये यहाँ पर काजल को क्या करे, 5,000 तो हमने यहाँ डेबिट करे थे और 100 रुपये हमने यहाँ पर डेबिट कर दिए, तो टोटल कितने हो गए, 5,000 + 100, 5,100। अब 5,100 रुपये की एंट्री कर लेंगे, क्या एंट्री हो जाएगी, नाउ रिसीव विद इंटरेस्ट, तो बाई SBI 5,100 और टू काजल 5,100 रुपये, बी चेक रिसीव फ्रॉम काजल विद इंटरेस्ट 5,100 रुपये। अब आपको बता दूं कि एंट्री हमें जे ही बनानी होती है, 51 पहले इंटरेस्ट ड्यू करना होता है फिर रिसीव करना होता है। स्कूल कॉलेज में एक एंट्री हमें और भी सिखाई जाती है, हम लोग वो भी बना सकते हैं, बट उसमें एक चीज इशू आता है, क्या आता है वो समझ लेते हैं, पहले एंट्री समझ लेते हैं क्या बनाई जाती है। बाई SBI 5,100 टू काजल 5,000 टू इंटरेस्ट रिसीव 100 रुपये, इससे हमारे सारे लेजर अकाउंट मेंटेन हो जाएंगे, बट इसमें एक गलती है। गलती क्या है कि यहाँ पर देखिए स्टेट बैंक ने कहाँ डाला है, 5,100 रुपये, और 5,000 रुपये हमने यहाँ पर डाले हैं काजल के रूप में, लेकिन अगर हम बैंक की पासबुक देखेंगे तो पासबुक में 5,100 रुपये का जब काजल ने चेक दिया तो हमारे पास रिसीव होंगे काजल के नाम से 5,100 रुपये, बट हमने यहाँ पर कर रखे हैं 5,000 रुपये, तो उस कंडीशन में हमारी जो एंट्री मिसमैच होगी, हमें अकाउंट मेंटेन करने में दिक्कत होगी, तब हमें आपको जे एंट्री बनानी पड़ेगी, पहले ड्यू करना पड़ेगा और फिर रिसीव करना पड़ेगा, जे ही सही कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। शॉप रेंट पेड बाय चेक, हमने बैंक ने अपना बिल्डिंग का किराया चेक द्वारा पेमेंट करा, तो सिंपल एंट्री बन जाएगी बाय शॉप रेंट या रेंट अकाउंट टू SBI अकाउंट, क्योंकि पेमेंट हमने चेक द्वारा करा तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बींग शॉप रेंट पेड बाय चेक। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, कैश डिपॉजिट इन SBI, सिंपल पॉइंट है, तो बाई SBI अकाउंट 5,000 और टू कैश अकाउंट 5,000, बींग कैश डिपॉजिट इन SBI। नेक्स्ट पॉइंट, कैश विदड्रू फ्रॉम बैंक बट 50% कैश यूज फॉर पर्सनल यूज 2,000 रुपये, यानी कि 50% तो हमने यूज पर्सनल यूज के लिए करा, 50% हमारा बिजनेस में आ गया, क्योंकि हम बैंक की एंट्री बिजनेस के से बना रहे हैं, बट हमने यहाँ पर पर्सनल यूज दिया है, इसलिए अगर पर्सनल यूज नहीं देते तो पूरा का पूरा बिजनेस में आता, लेकिन पर्सनल यूज दे दिया है तो 50% पर्सनल यूज में आ गया, यानी कि और 50% हमारा बिजनेस में आ गया, तो कितना आया, 2,000 का 50%, तो 2,000 का 50% कैसे निकालेंगे, 2,000 इंटू 50/100, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, बचा 200 इंटू 5,
तो हमारा आ जाएगा 2 × 5 यानी कि 1000 रुपये। तो 1000 रुपये हमने कैश बिजनेस में यूज करा और 1000 पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के बारे में पुरानी वीडियो में समझा चुका हूँ, उसके लिए जो लेजर खुलता है उसका नाम क्या होता है, ड्राइंग अकाउंट। तो चलिए इसकी एंट्री समझ लेते हैं। बाई कैश अकाउंट 1000, बाई ड्राइंग अकाउंट 1000 और टू एस बी आई 2000 रुपये, बी विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक 200 रुपये। 200 रुपये का हमें बैंक से इंटरेस्ट मिला। तो जो इंटरेस्ट मिलता है बैंक हमें घर में देने तो आती नहीं है, वो जो इंटरेस्ट होता है वो क्या करती है, हमारे अकाउंट में ऐड कर देती है जो बैंक बैलेंस होता है हमारा। तो 200 रुपये का हमें इंटरेस्ट मिल गया है, तो कहाँ आया इंटरेस्ट, स्टेट बैंक में, तो बाई एस बी आई अकाउंट 200 रुपये। किस रूप में आया, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो रिसीव हुआ तो हमारी क्या हुई, गेन हो गई। तो इनकम और गेन क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट 200 रुपये, बींग इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम मनोज, मनोज से माल खरीदा 2000 का, सिंपल एंट्री है। तो बाई परचेज अकाउंट टू मनोज 2000, बींग गुड्स परचेज फ्रॉम मनोज ऑन क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, मेक अ ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ मनोज टू सेटल हिज अमाउंट ऑफ ₹1800 एंड पे डीडी कमीशन टू बैंक 100। अब इसमें देखिए दो चीजें हैं, एक तो है मनोज के नाम का ड्राफ्ट बनवाया हमने 1800 रुपये का, उसका अकाउंट सेटलमेंट का दिया। तो देखिए हमने मनोज से कितने का 2000 का माल खरीदा था, बट दिए कितने सेटलमेंट में, 1800 दिए, यानी कि 200 रुपये हमने कम दिए। तो 200 रुपये मनोज ने हमें क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट हमारा क्या हुआ, फ़ायदा हो गया। जो ड्राफ्ट होता है वो एक प्रकार से बैंक का चेक होता है, यानी कि हमने बैंक में पैसा दे दिया, बैंक का ड्राफ्ट उसको कैश हो जाएगा। तो डीडी कमीशन की एंट्री बाद में समझते हैं, पहले हम लोग इसको समझते हैं 1800 रुपये को। तो यानी कि मनोज को हमने देने कितने थे 2000 रुपये, तो 2000 से ही हम डेबिट करेंगे तभी उसका खाता क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर 2000 से हमने क्रेडिट करा है। तो एंट्री बन जाएगी बाई मनोज 2000 रुपये, टू एस बी आई 1800 और टू डिस्काउंट रिसीव 200 रुपये हो जाएंगे। सिंपल समझ में आ गया, नॉर्मल एंट्री बना रहे थे अभी तक। बी पेमेंट टू मनोज बाई बैंक का चेक या ड्राफ्ट, ड्राफ्ट को बैंक का चेक भी बोलते हैं। अब हमने क्या करा, बैंक को 100 रुपये डीडी कमीशन दिया। बैंक में क्या होता है कि हमसे ड्राफ्ट जो बनाती है उसका कमीशन चार्ज करती है, तो बैंक ने हमसे 100 रुपये क्या लिया, बैंक कमीशन यानी ड्राफ्ट कमीशन लिया। तो इसके लिए जो खाता खुलता है उसे बोलते हैं बैंक चार्जेस अकाउंट। कौन सा अकाउंट, बैंक चार्जेस। तो बाई बैंक चार्जेस अकाउंट 100 रुपये, टू एस बी आई 100 रुपये, बी पेड डीडी चार्जेस और कमीशन टू बैंक। अब आप देखिए इस एंट्री में कॉमन क्या है, 1800 एस बी आई और 100 रुपये एस बी आई, यानी कि दोनों एंट्री में कॉमन क्या है, एस बी आई कॉमन है। तो इसकी हम एक कम्बाइंड एंट्री बना सकते थे, मैंने अलग अलग इसलिए बनाई कि आपको ईजिली समझ में आ जाए कि एंट्री है क्या, बेसिकली कहना क्या चाह रहा है और बन क्या रहा है। अब हम इसकी ज्वाइंट एंट्री बना सकते हैं, तो ज्वाइंट एंट्री कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो बाई मनोज हो जाएगा हमारा 2000 रुपये, क्योंकि 2000 रुपये था यहाँ पर, और अब बाई में क्या था, बैंक चार्जेस था 100 रुपये, तो बाई बैंक चार्जेस 100 रुपये, टू एस बी आई, एस बी आई में कितना आएगा, 1800 तो दिए था हमारे और 100 रुपये दिए था, तो 1800 + 100 1900, तो टू एस बी आई 1900 हो जाएगा। डिस्काउंट कितने की मिली, 200 रुपये की, तो टू डिस्काउंट रिसीव 200। तो अब देखिए यहाँ पर 2000 + 100 2100 रुपये, 1900 + 200 2100 रुपये, यानी कि डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस हमारा इक्वल हो गया। तो बींग पेमेंट टू मनोज, क्लियर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें। और बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको कोई क्यूरीज होती है तो नीचे मैसेज बाद में मुझे मैसेज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।